सो व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है लिखित और आप देख रहे हो एल डी स्क्राफ्ट। सो गाइज, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए एक तगड़ा वाला गेम प्ले, जिसमें हम फाइंड करेंगे डायमंड और हम जाते हैं डायमंड ढूंढने के लिए तो निकलते हैं। और अभी हम जाएंगे इस बड़े से प्लेन जगह के नीचे। तो गाइज, हमने बनाया था ये और इसे बनाने में हमें पूरे 3 दिन लग गए थे, इसलिए हमने 3 दिन के बीच में वीडियो नहीं डाली थी। तो अभी निकलते हैं, नीचे जाते हैं। तो हमने पकड़ लिए बकेट, तो यहाँ से निकलते हैं नीचे की ओर। वहाँ पे हमें दिख रहा है 2 लाइन का गड्ढा, हम वहाँ से देखेंगे, वहाँ से जाएंगे, क्योंकि हमें 2 लाइन के गड्ढे से ही करना है। तो इधर में दिखते हैं वैसी जगह। सो गाइस, ये और ये जगह है, तो यहाँ से घुस जाते हैं अंदर और कर देते माइनिंग चालू। सो गाइस, अभी यहाँ पे ले लेते हैं आयरन पिकेक्स। आयरन पिकेक्स की जगह स्टोन पिकेक्स से फोड़ेंगे हम। सो गाइस, यहाँ से हम कर लेते हैं वीडियो को थोड़ी स्टार्ट। तो गाइस, देख सकते हो हमारी वीडियो हो चुकी है स्पीड। और अभी इससे क्या होगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होंगी और जल्दी जल्दी से काम होगा। तो ये फोड़ते हैं और फिर देखते हैं आज हमें मिलते हैं डायमंड या नहीं, और हम बना पाते हैं कुछ या नहीं। सो गाइज, हमें हो चुके हैं खोदते खोदते पूरे रात से दिन। तो गाइज, अभी देखते हैं यहाँ से कूद जाएंगे, कोबल्ट स्टोन लगा देंगे कूदने के बाद। और गाइज, अभी हम ले लेते हैं वाटर बकेट अपने हाथ में। वाटर बकेट ले लेते हैं एमएलजी करने के लिए। तो गाइज, फिर करेंगे हम एमएलजी। गाइज, एमएलजी नहीं, यहाँ से ही चले जाते ऐसे ही। गाइज, अभी पर एमएलजी ही करना पड़ेगा लगता है हमें, क्योंकि फिर हमारा वाटर हमें वापस नहीं मिलेगा। तो अभी डबल से ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ से जाते हैं ऊपर। गाइस, ले लिया हमने वाटर, अभी यहाँ से कूदेंगे और कर लेंगे एमएलजी। पहले यहाँ से ये रेड स्टोन तोड़ लेते हैं। ये तोड़ गए और ये हो चुकी है हमारी एमएलजी। और यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से भी करना पड़ेगा एमएलजी। तो भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं एमएलजी करते करते मैं नीचे पहुंच गया और अभी हमने तोड़ लिया रेड स्टोन। और गाइस, रेड स्टोन तोड़ने के बाद में फिर हम देखेंगे और डायमंड की खोज में निकलेंगे। तो गाइस, यहाँ पे बहुत सारा डायमंड यानी रेड स्टोन है गाइस। तो अभी रेड स्टोन ख़त्म हो चुके हैं और निकलते हैं अभी आगे। और गाइस, वो देख सकते हो गाइस, अभी आ गए आप। गाइस, वो दिख गया है हमें डायमंड, एक डायमंड दिखा है। और गाइस, ये सॉर्ड ले लेते हैं और इसे मार देते हैं। ये ऐसे जानवर बहुत आने वाले हैं हमारे पास। ये तो यहाँ से लावा उठा के देखते, नहीं उठ रहा है लावा। गाइस, वो आगे जा रहे हैं, जाने दो उन्हें। हम यहाँ पे डायमंड लगा लेते हैं, डायमंड खोद लेते हैं, टॉर्च लगा लेते हैं और डायमंड लगा लेते हैं, निकाल लेते हैं। ऐसे एक डायमंड खोदते हैं, ऐसे एक फुट फुट चुका है एक डायमंड। और गाइस, उसके पीछे और एक डायमंड। गाइस, यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बहुत सारे डायमंड निकल जाए, 10 के ऊपर तो डायमंड मिल जाना चाहिए भाई। और गाइस, पीछे से और हड्डी वाला स्केलेटन नहीं आना चाहिए भाई, वरना वो हमारी ऐसी हालत करेगा, ऐसी हालत करेगा भाई कि हम डायमंड नहीं तोड़ पाएंगे। तो यहाँ पे और है,
भाई 10 के ऊपर निकल जाना चाहिए बस भाई, अब मजा हो जाएगा यार भाई। पहली बार मैं डायमंड देख रहा हूँ भाई, यानी कुछ भी भाई डायमंड, और वो एक बच्चू का, और ये ऊपर में भी दो है, उसे भी तोड़ लेंगे। दोनों एक ही थे शायद, हाँ एक ही था। अभी ऊपर निकलेंगे, क्रीपर आ गया, इसे फोड़ लेंगे पहले। अरे फूट चुका है, वहाँ पे गोल्ड है, पर हम गोल्ड तोड़ के कुछ फायदा नहीं है, ये गोल्ड का कुछ काम है ही नहीं। सो गाइस ऐसे ही ढूंढते ढूंढते हमें मिल गया और एक डायमंड, और दो डायमंड है गाइस यहाँ पे, पर पहले ही नहीं मारना पड़ेगा, क्रीपर फूट जाए, उड़ गया है। तो गाइस हम तोड़ लेते हैं इस डायमंड को, और ये डायमंड टूटते ही जा रहे हैं, बहुत सारे डायमंड है लगता है यहाँ पे। ओ ये डायमंड टूट रहे हैं, टूट रहे हैं, जल्दी जल्दी टूट जाना चाहिए गाइस। टूट चुके हैं। सो गाइस फाइनली मैंने तोड़ लिया वहाँ से 47 डायमंड, और गाइस मैं चल रहा हूँ ऊपर, और अभी ऊपर की तरफ आपको बताएंगे, तो मैं वीडियो को। सो गाइस अभी चढ़ते हैं ऊपर और फिर देखते हैं कि एने हम फिर बना लेते हैं अपने पिकेक्स वगैरह, आर्मर भी बना लेंगे गाइस, और हम ऊपर पहुँच चुके हैं और अभी निकलते हैं आगे। तो अभी ऊपर जाते हैं और यहाँ से, और अभी निकलते हैं उधर और सो जाएंगे हम इस विलेज में ही आज के दिन। वाले घर में जाते हैं, सो जाते हैं और अभी निकलते हैं बाहर, अभी इसे तोड़ लेते हैं कैरेट, क्योंकि हमारा ब्रेड वहाँ पे लावा में गिर गया है और वो फूट गया है क्रीपर। यहाँ से तोड़ लेते हैं इसे, और अभी जाते हैं घर तरफ, इसे पहले बना लेते इसका वीट, वीट बना लेते हैं पहले इसका। हम फेंक देते लेदर को और अभी निकलते हैं घर की ओर। अभी निकलते हैं घर की और घर में जाने के बाद में हम पूरे अपने सामान, पिकेक्स वगैरह बिना फालतू की चीज ये सब रख देते चेस्ट में। और 49 डायमंड है गाइस, मुझे ऐसा लगा था 47 ही डायमंड है, पर गाइस 49 डायमंड है हमारे पास। अगर पूरा मेरा सामान हो रहा है, बस थोड़ा सा बाकी रखने का, फिर रख देते और फिर जाते हैं क्राफ्टिंग टेबल बनाने का, इस क्योंकि मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल है नहीं। इधर पेड़ नहीं है, अभी हमें जाना पड़ेगा उसी विलेज में। और तो गाइस हम पहुंच चुके हैं विलेज में, और विलेज में यहाँ से हम तोड़ लेते हैं भूसा, और भूसे से बना रहे थे क्राफ्टिंग टेबल। तो ऐसे दो हो चुके हैं फोड़ के, और अभी एक और लग रहा है, और गाइस फूट चुके हैं चार, और अभी हम बना रहे थे क्राफ्टिंग टेबल। और अभी इससे बना लेते हैं हम अपने लिए आर्मर, गाइस पहले ये फिर ये, और गाइस एक डायमंड बचा है। नहीं गाइस एक ही डायमंड कैसे भाई, इतनी तो चीज़ें बनाई हुई है हमने। और गाइस आ चुके डायमंड, आ चुके हैं गाइस, तो अभी ले लेते 24 डायमंड है दिख रहे हैं, वो बग हो गया था शायद। अभी ये पहन लिया है हमने डायमंड आर्मर, पूरा पहन लेते हैं, थोड़ा सा ही पहना है अभी सिर्फ,
और अभी तोड़ लेते हैं वुड, या फिर भूसे भी तोड़ सकते हैं। हमें सिर्फ बनाना है पहले स्टिक। तो भूसे तोड़ने के बाद में फिर हम बना लेंगे स्टिक और बना लेंगे पूरे पिकेक्स वगैरह। तो हमारे बन चुके हैं, यहाँ पे बैनर टूट चुके हैं और अभी बना लेते हैं स्टिक्स। और बन चुके स्टिक्स और अभी बना लेंगे हम पिकेक्स वगैरह। तो बन चुके मेरे पहले 100 पिकेक्स इधर, और 16 डायमंड है अभी बाकी, और कुछ बना लेंगे। नहीं, अब कुछ नहीं बनाएंगे। और गाइस, तो एनविल देख लेते बनता है क्या। तो एनविल नहीं बनता क्योंकि हम एंचेंटमेंट करना चाहते थे, पर ये बन सकता है एंचेंटिंग टेबल, उसके लिए लगते हैं और आर्मर ऑब्सिडियंस। तो गाइस हम ऑब्सिडियंस लाएंगे, तोड़ लेते हैं इसे। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।